अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, ये जो मुमरा पुलिस स्टेशन से लेकर सोनाजी नगर तक ये बच्चों का कार्निवल जो चल रहा है, तो आपका इसमें क्या ख्याल है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्कूल के बच्चों का कार्निवल जितेंद्र अवार्ड और एनसीपी पार्टी की तरफ से आयोजित किया गया है, तो ये मुमरा वासियों के लिए एक तकलीफ है, एक दुख है। हर साल एनसीपी कभी जनता के फायदे का काम नहीं करती, हमेशा नुकसान का काम करती है। एक तो इन लोगों ने रोड बंद कर दिया, यही कार्निवल मित्तल ग्राउंड में भी हो सकता था। अब ये पुलिस चौकी से लेकर मित्तल ग्राउंड तक पूरा रोड बंद कर दिए, आने जाने में ट्रैफिक को तकलीफ, एक रोड के ऊपर दोनों गाड़ियाँ चल रही। दूसरी बात, एक कार्निवल के अखराज बच्चों से ही जाए वसूला गया होगा। अब बच्चों से वसूलने का मतलब माँ बाप पे बोझ, कार्निवल के नाम के ऊपर पैसे वसूले, और कार्निवल के अंदर जो लाइट इस्तेमाल की जा रही सब चोरी की है। टोरंट अभी इस पर खामोश बैठा है, क्योंकि टोरंट को लाने वाले ये साहब ही है ना, तो टोरंट का आवाज़ बंद है। तो ये तकलीफ़ के सिवा और कुछ नहीं है। बच्चों को तकलीफ देना, माँ बाप से पैसे ऐंठना, और उसके अंदर वो झूले वूले लगाए हुए, झूले वाले फ्री नहीं है, उसके लिए भी पैसे। तो इतने लोग पुलिस चौकी से लेके मित्तल ग्राउंड तक जितनी दुकानें हैं सबका धंधा आज ठप है, सबका धंधा मार के ये अपना धंधा कमा रहे लोगों। अहमद भाई, ऐसा है कि रात को सर लोग कुछ ट्रैफिक पुलिस वालों के साथ में आए, और हर खड़ी गाड़ियों का इन लोगों ने फ़ोटो वगैरह लिए, जो भी है उनको बुलाने के लिए जैसा भी है। तो उस दरमियान में कई दुकानें ऐसी खुली थी, मगर इन लोगों ने दुकान वालों से भी ऐसा कोई इजाज़त नहीं मांगे कि हमारा थोड़ा प्रोग्राम है। इसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ये तो दबंगा ही है ना। स्कूल के टीचर जितने भी प्राइवेट स्कूल है सब इनकी छत्र छाया में चल रहे, इनकी फ़ीस मनमाने तौर पे बढ़ाते जा रहे। अगर कोई ऑब्जेक्शन लेता है तो ये लोग बीच बचाव करके छत्र छाया में चला रहे स्कूल। सारे स्कूल वाले जो है एनसीपी से जुड़े हुए, क्योंकि उनको वहाँ से इजाज़त है पूरी तरह, खुली लूट कर लो। अभी पुलिस चौकी से यहाँ तक जो रोड बंद कर दिए, इसमें कितनी तकलीफ हो रही है लोगों को। बाहर से आने वालों लोगों को आप ये दिखाना चाहते कि हमारे यहाँ कार्निवल हो रहा है। अरे, इस कार्निवल का कोई मकसद है, कोई मोटिवेशन है? बच्चों को क्या मोटिवेट कर रहे हैं? कुछ नहीं। जब बकरीद की मार्केट लगती है अंदर, तो ये कार्निवल अंदर नहीं हो सकता। अभी मैं प्रोग्राम में उधर से आ रहा था, तो दो लेडीज लोग बेचारे स्कूल गए थे, तो वो लोग कहने लगे कि इधर शौचालय की कहीं सुविधा है क्या? तो मैं बोला आप मुमरा पुलिस स्टेशन जाओ। तो क्या ये फेस्टिवल में कुछ बच्चों को अगर टॉयलेट या ये सब की ज़रूरत पड़े तो क्या करें? हाँ, तो इनके कार्यालय खुले हुए हैं ना, जनसंपर्क कार्यालय, उसमें जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? ओके। इसमें सब में बड़ी गलत तो पुलिस है, उनको परमिशन कैसे देती रोड पे करने के लिए? अगर रोड के ऊपर चार आदमी खड़े हो गए तो आके हटाती है, बोले ट्रैफिक जाम हो रहा है, कोई गाड़ी खड़ी हो गई तो हटा देते ट्रैफिक जाम हो रहा है, और ये पूरा रोड बंद कर दिए। पुलिस प्रशासन इसमें दबी हुई है।